नमस्कार, जी टेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जो प्रॉब्लम जो आ रहे हैं ये एक तो बैड हैबिट्स जी, उसके बाद में लैक ऑफ एक्सरसाइज, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, फॉल्टी डाइट जी, उसके बाद में रेगुलर चेकअप नहीं होता है जी। मरीज को जब तक कोई तकलीफ नहीं होता तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाता जी, तो वो दैट इज रॉन्ग। अभी क्या हो रहा है कि जो बीमारियां पहले लेट आती थी वो आजकल पहले आने लगती हैं जी, इसलिए 35 की एज में एक बार पूरा चेकअप हो जाना चाहिए जी, फिजिशियन के पास जाके। ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, डायबिटीज, हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कोलेस्ट्रॉल बराबर है कि नहीं है, ये सारी चेकअप हो जाना चाहिए। कई बार सरप्राइज मिलते हैं, कई बार पहली बार अल्ट्रासाउंड किया पता चला कि एक ही किडनी पैदा। अच्छा हाँ, ऐसे हाँ, ये मालूम ही नहीं पड़ता, कुछ तकलीफ ही नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल, तो ये सब ऐसे मिल जाते हैं जब रूटीन चेक होता है तब जी। तो ये एक तो करना चाहिए, उसके बाद फिर उसके अंदर जो मिलता है एबनॉर्मेलिटी, किसी को डायबिटीज मिला, किसी को कुछ हुआ, तो अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर ही बताते कि भाई आप 3 महीने में करो या 6 महीने में करो, जो भी है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो डॉक्टर के एडवाइस है वो बार बार फॉलो करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मरीज भी अपने दिल से ही करता है, डॉक्टर ने एक गोली खाने के बोला वो आधी करेंगे, 10 दिन खाने के बोला 5 दिन खाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं करना चाहिए जी। और ध्यान देना चाहिए वो कि भाई अपने को अपने की लाइफ है जी। जैसा मैंने आपको बोला कि लोग गाड़ी की सर्विसिंग तो बराबर करेंगे जी, लेकिन अपनी खुद की सर्विसिंग के लिए वो ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते, तो कम से कम साल में एक बार जाके एक दिन अपना चुन लेना, अपना बर्थडे चुन जी, अपने बर्थडे पे जाके पहले ये करो, एक चेकअप कर लो। दूसरा एक अच्छी आदत डालने का है, अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेट करो जी, तो ये अच्छी अच्छी आदतें हैं। दूसरे और भी काम कर सकते हैं, ये जो क्लीनिंग अभियान जो है सफाई वाला जी, ये भी आ रहे हैं प्लास्टिक का, ये भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न ये जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, रेगुलर चेकअप, एंड अवे फ्रॉम अल्कोहल, अवे फ्रॉम स्मोकिंग, अवे फ्रॉम टोबैको, अवे फ्रॉम ई सिगरेट, ये सभी घातक है। अपने को नॉर्मल लाइफ ह्यूमन बींग का है 100 साल जी, आदमी 100 साल जी सकता है जी। अब उसमें कुछ अपना जेनेटिक्स है जी, जैसा मेरी मदर को डायबिटीज था, उसको ब्लड प्रेशर था, मेरे को भी ब्लड प्रेशर होगा, मेरे को भी डायबिटीज होगा, मेरे फादर को कैंसर था तो मेरे को भी कैंसर होने के चांसेस रहेंगे, तो ये हो गया जेनेटिक्स जी। तो जेनेटिक्स जो है ये तुम्हारे हाथ में नहीं जी, यू कैनॉट सिलेक्ट योर पेरेंट्स जी, लेकिन जो अपने हाथ में है वो तो कर सकते हैं, ये अपना खान पान है, रहन सहन है जी, एंड इवन ये माइंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना अच्छा सोचोगे जितना अच्छा रहोगे, जितना लोगों का अच्छा करोगे जी, भला कर तो भला होगा जी, आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। स्ट्रेस का इफेक्ट सब बीमारी में पड़ता है, ब्लड प्रेशर पड़ता, हार्ट के ऊपर पड़ता, डायबिटीज के ऊपर पड़ता, इवन कैंसर के ऊपर पड़ता जी, इवन इन्फेक्शन के ऊपर पड़ता है। आदमी का जो इम्यूनिटी रहती है, इम्यून स्टेटस रहता है, यानी अगर किसी को कोई इन्फेक्शन होता है जी, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की जो ताकत रहती है, वो स्ट्रेसफुल वाला आदमी जो रहेगा वो ताकत कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये तो सही है, स्ट्रेस तो इम्पोर्टेंट, यानी आप मन से पहले हेल्थी रहिए तब आप शरीर से हेल्थी हो जाएंगे, दोनों साइमल्टेनियस है, ये सारी चीज़ें हैं जी। मन तन सभी जी, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, माँ दुर्गा देवी सबको खुश रखे, सर्वे सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमापयेत्। इसका मतलब मानो आपको, सर्वे सुखिन संतु, सारे लोग सुखी रहे, सर्वे संतु निरामया, सब लोग निरोगी रहे, सर्वे सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको सब तरफ अच्छा ही दिखने को मिले, कोई इधर मारकाट चल रही है, कुछ हिंसा चल रही है, ये सब नहीं होता, सारे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमापयेत्, किसी को भी कोई दुख ना हो, ये हमारी भी इच्छा है और ये भगवान करे सबको सबकी भी इच्छा। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तब तक के लिए नमस्कार।